दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑफ करना भूल जाते हैं या बार बार पावर बटन की मदद से ऑफ करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप किस तरह से आप अपने इस मोबाइल को स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल को जब भी पॉकेट में रखते हैं तो इसका ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, और जब भी आप अपने मोबाइल को पॉकेट से बाहर निकालते हैं तो इसका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिराम पासवान है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्टिव टेक ब्लॉग्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने इस मोबाइल को पॉकेट में रखते हैं तो इसका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा या बाहर निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ये एप्लीकेशन है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करने के बाद इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसका वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी अपने मोबाइल को पॉकेट में रख लेंगे तो इसका ऑटोमेटिक सेंसर के पास अपने हाथ को ले जाएंगे तो इसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको इसे स्लाइड करना होगा ऊपर से, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वर्क करना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एप्लीकेशन यूज होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चलता हूँ। तो ये रहा प्ले स्टोर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया और ये ओपन होने लगा है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रॉक्सिबिलिटी सर्विस। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस टाइप करने के बाद मैं इसे सर्च कर लूँगा। देखिए यहाँ पर ये टाइप हो चुका है, मैं इसे सर्च करता हूँ। और ये सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है, मेरा ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे बताऊँ, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसे ओपन कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद, सॉरी इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा, मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया तो मेरा ये वर्क करना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसे अब कट करता हूँ, या स्क्रीन पर मैं अपने हाथ को ले जाता हूँ अपने मोबाइल के सेंसर के पास तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।